गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके सामने वीडियो नंबर 6 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिए जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट वंस अगेन हिस्ट्री एंड टॉपिक मेडिवियल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। आप हिस्ट्री के मेडिवियल इंडिया के वीडियो नंबर 6 का फर्स्ट MCQ सुनिए। सबसे पहले निर्गुण स्कूल बिलीव्ड इन, निर्गुण स्कूल, निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण रूप रंग आकार ना हो। इसमें कौन आता है? कबीर। कबीर ने निर्गुण भक्ति की बात की है। तो निर्गुणा स्कूल बिलीव करता है किस चीज में? नीचे लिखो में से ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट गॉड फ्री फ्रॉम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, कि जो गॉड है वो इंसान की तरह नहीं होता। ऑप्शन टू, ऑप्शन बी, गॉड हु इज रिचली एंडवेड विद ह्यूमन वर्च्यूज, गॉड इंसान की तरह होता है। ऑप्शन सी, गॉड हु इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड सब जगह सर्वव्यापी है, सब जगह प्रेजेंट है। ऑप्शन डी, गॉड हु इज विद इन ईच ह्यूमन बींग, गॉड सभी इंसानों के अंदर होता है। ये चारों में से निर्गुणा स्कूल इन चारों में से कौन से ऑप्शन पर बिलीव करता है? तो निर्गुणा स्कूल ऑप्शन ए पर विश्वास करता है कि एब्सोल्यूट गॉड फ्री फ्रॉम ह्यूमन एट्रीब्यूट, की भगवान होता है लेकिन वो इंसान की तरह ह्यूमन एट्रीब्यूट की तरह नहीं होता। क्वेश्चन टू, द पोएट अमीर खुसरो वाज अ फॉलोअर ऑफ, अमीर खुसरो नीचे लिखो में से किसके फॉलोअर थे? ऑप्शन ए कादिरा ऑर्डर, ऑप्शन बी सुहरावर्दी ऑर्डर, ऑप्शन सी चिश्ती ऑर्डर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अमीर खुसरो नीचे लिखो में से जिसके फॉलोअर थे वो था ऑप्शन सी चिश्ती ऑर्डर। चिश्ती ऑर्डर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन थ्री, इन विच फील्ड डिड द अरब गेन्स फ्रॉम इंडिया, नीचे लिखो में से किस फील्ड में अरब ने भारत से लाभ पाया था, गेन पाया था, भारत की कौन सी चीज उन्होंने अपना, उसको अपना बना लिया था? ऑप्शन ए लिटरेचर एंड आर्ट, ऑप्शन बी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या प्रशासन का काम उन्होंने अंडरस्टैंड किया था, या ऑप्शन डी मेटाफिजिक्स मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। तो अरब ने भारत से जिस चीज का गेन पाया था, जिस चीज में उन्होंने भारत को की चीजों को अपना बना लिया था, वो था ऑप्शन डी मेटाफिजिक्स मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन फोर, विच वन इज नॉट द वर्क ऑफ सूरदास, नीचे लिखो में से चार किताबों के नाम है, बताना है कि सूरदास की कौन सी बुक नहीं थी, तीन है एक नहीं थी। साहित्य लहरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सूर सागर, ऑप्शन सी सूर सारावली और ऑप्शन डी सूर दर्शन। तो सूरदास की इनमें से ऑप्शन डी सूर दर्शन सूरदास की बुक नहीं थी। सूरदास कृष्ण भक्त के बहुत अच्छे कवि थे, तो सूर दर्शन इनकी बुक का नाम नहीं था। क्वेश्चन फिफ्थ, रामानंदा वाज अ फिलोसोफर ऑफ, नीचे लिखो में से रामानंदा किस चीज के फिलोसोफर थे? ऑप्शन ए वैश्वनिज्म, बी शैविज्म, सी जैनिज्म या डी बुद्धिज्म। तो नीचे लिखो में से रामानंदा जिस चीज के फिलोसोफर थे, जिस चीज को वो फॉलो करते थे, वो था ऑप्शन ए वैश्वनिज्म। द स्क्रिप्ट ऑफ सिख इज, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, जो गुरुवाणी है सिखों की उसको किस लिपि में लिखा गया है, उनकी स्क्रिप्ट क्या है सिखों की? ऑप्शन ए गुरुवाणी, बी देवनागरी, सी गुरु तिपि या डी गुरुमुखी। तो सिखों की स्क्रिप्ट जिसमें गुरबानी लिखी गई है वो है ऑप्शन डी गुरुमुखी। क्वेश्चन सेवन, द वर्ड सिख मीन्स, सिख शब्द का क्या मतलब है? ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी डिवोटी भक्त, ऑप्शन सी डिसाइपल या ऑप्शन डी फाइटर। तो सिख शब्द का मतलब है ऑप्शन सी डिसाइपल, यानी वो शिष्य हैं, परमात्मा के, भगवान के शिष्य हैं। क्वेश्चन एट, द नेम ऑफ द लास्ट सिख गुरु इज,
सिखों के आखिरी गुरु का नाम क्या था? 10 गुरु थे, 10वें गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु हर गोविंद। तो सिखों के लास्ट गुरु का नाम था ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी। कबीर डिडंट राइट इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज विच आर, नीचे लिखो में से कबीर ने किस भाषा में नहीं लिखा था? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी अवधी या ऑप्शन डी राजस्थानी। तो कबीर ने नीचे लिखो में से जिस भाषा में नहीं लिखा था वो था ऑप्शन डी राजस्थानी। क्वेश्चन 10, हु डिड नॉट अलाउ हिज फॉलोअर्स, नीचे लिखो में से कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने फॉलोअर्स को कभी अलाउ नहीं किया था टू हैव एनी काइंड ऑफ सोशल इंटरकोर्स विद वुमेन, कि वो वुमेन के साथ कोई भी सामाजिक संबंध रखें? कौन सा ऐसा संत था? ऑप्शन ए चैतन्य, बी नानक, सी रामानंदा या डी शंकराचार्य। तो नीचे लिखो में से जिसने अपने फॉलोअर्स को किसी भी तरह का सोशल इंटरकोर्स वुमेन के साथ रखने के लिए मना किया था वो था ऑप्शन ए चैतन्य। क्वेश्चन 11, हु डिड नॉट राइट इन गुजराती लैंग्वेज, नीचे लिखो में से कौन है जिसने गुजराती लैंग्वेज में कभी कुछ नहीं लिखा? ऑप्शन ए मीराबाई, बी नरसिम्हा, सी केशवदास या डी कबीर। तो जिस नीचे लिखो में से जिसने गुजराती लैंग्वेज में कभी नहीं लिखा वो थे ऑप्शन डी कबीर। 12, मीराबाई डिड नॉट सी वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, नीचे लिखो में से मीराबाई ने किसे नहीं देखा था, पहचानो उसको। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी अकबर, सी तानसेन या डी सूरदास। तो मीराबाई ने जिसे नहीं देखा था अपने लाइफ में, अपने जीवन काल में, वो थे ऑप्शन डी सूरदास को नहीं देखा था। क्वेश्चन 13, नेम द सूफी संत हुज फिलॉसफी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड औरंगजेब, उस सूफी संत का नाम बताओ जिसकी फिलॉसफी से औरंगजेब बहुत प्रभावित हुए थे। ऑप्शन ए शेख अहमद सिरहिंदी, ऑप्शन बी ख्वाजा बागी, ऑप्शन सी साहू पीर ऑफ मेरठ, ऑप्शन डी शेख कादरी। तो जिसकी फिलॉसफी से औरंगजेब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे उस सूफी संत का नाम है ऑप्शन ए शेख अहमद सिरहिंदी। क्वेश्चन 14, स्कूल अटैच्ड टू मॉस्क वर नोन एज, वो स्कूल जो मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मदरसा, ऑप्शन बी मकतब, ऑप्शन सी तालीम घन या डी पर्शिया। तो जो स्कूल मॉस्क के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको ऑप्शन बी मकतब कहते हैं। 15, हु हैव बीन टर्म्ड एज द ब्राह्मणा ऑफ इस्लाम, नीचे लिखो में से किसे इस्लाम का ब्राह्मण कहा जाता था? ऑप्शन ए सैयद, पी शेख, सी पीर्स या डी उलेमा। तो ब्राह्मणा ऑफ इस्लाम, इस्लाम का ब्राह्मण जिसे कहा जाता था वो था ऑप्शन बी शेख। क्वेश्चन 16, विच आर ऑफ सूफी ऑर्डर वाज एट फर्स्ट द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स, सूफी ऑर्डर में ऐसा कौन था जो पहला था और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था, रूढ़ीवादी था, यानी पुराने विचारों पर टिका हुआ था, वो सूफी ऑर्डर कौन सा था? ऑप्शन ए सुहरावर्दी, बी कादिरी, डी नक्शबंदी या डी चिश्ती। तो सूफी ऑर्डर में जो पहले सबसे ज्यादा मोस्ट ऑर्थोडॉक्स रूढ़ीवादी था वो था ऑप्शन सी नक्शबंदी। क्वेश्चन 17, हु वाज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, रामचरितमानस एक पुस्तक है, एक बुक है, इसके ऑथर कौन थे? ऑप्शन ए रामानंदा, बी मीराबाई, सी कबीर या डी तुलसीदास। तो रामचरितमानस के ऑथर थे ऑप्शन डी तुलसीदास। 18,
नेम वन ऑफ द भक्ति संत, उस भक्ति संत का नाम बताओ हु हैड 12 डिसाइपल बिलोंगिंग टू द पुअरेस्ट क्लास, उस भक्ति संत का नाम बताओ जिनके 12 शिष्य थे और सारे के सारे 12 के 12 शिष्य गरीब क्लास के थे। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी रामानंदा, सी कबीर या डी चैतन्या। तो उस भक्ति संत का नाम जिनके 12 शिष्य थे, सभी के सभी गरीब क्लास के थे, वो थे ऑप्शन बी रामानंदा। इनके 12 शिष्य थे, इन्हीं से आकर के शिक्षा देते थे। क्वेश्चन 19, हु एस्टेब्लिश्ड द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, इन इंडिया में चिश्ती ऑर्डर किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया या डी फरीद। तो जिसने भारत में चिश्ती ऑर्डर स्थापित किया था वो था ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। विच रिलीजन डू वी एसोसिएट द 5 K's, बताओ कौन सा धर्म है जो 5 K's से रिलेटेड है। 5 K's के अक्षर आता है उसमें। ऑप्शन ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी सिखिज्म या डी इस्लाम। तो 5 K's जिस धर्म से रिलेटेड है वो है सिखिज्म। सिखों में 5 K माने जाते हैं, कंघा जो कंघी हम करते हैं, केश यानी बाल, कड़ा जो पहनते हैं, कृपान और अंडरगार्मेंट कच्छा। तो ये 5 K's सिख इज्म से एसोसिएटेड है। विच सूफी संत, नीचे लिखो में से कौन सा सूफी संत था जिसने ये बात रिमार्क्ड की थी, और दिल्ली दूर है, यानी अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली इज स्टिल फार अवे, दिल्ली अभी दूर है, ये बात किस सूफी संत ने कही थी। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख सलीम चिश्ती, सी नसीरुद्दीन चिराग या डी शेख फरीद। तो और दिल्ली दूर है यानी दिल्ली इज स्टिल फार अवे, ये बात ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। ये निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है इन्हीं के नाम से बना हुआ है। क्वेश्चन 22, हु वाज द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ रामानंदा, रामानंदा एक गुरु थे, इनका सबसे फेमस शिष्य कौन था नीचे लिखो में से। ऑप्शन ए तुकाराम, बी तुलसीदास, सी कबीर या डी दादू दयाल। तो नीचे लिखो में से जो सबसे मोस्ट फेमस डिसाइपल था रामानंदा का वो था कबीर, कबीर दास जी रामानंदा के शिष्य थे, इनसे शिक्षा पाते थे। तो स्टूडेंट्स आज हमारी वीडियो नंबर 6 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ, बड़े जबरदस्त MCQ हैं, आप इन्हें ध्यान से रिवाइज कीजिए। आज का हमारा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, टॉपिक था मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत की पूरी झांकी, पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर आपको दे रहा हूं मैं। अभी हमारी और वीडियो बनेगी, वीडियो 7, 8, 9 हिस्ट्री की, मेडिवियल इंडिया की। आप हमारी इन सभी वीडियोस को देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोस में 10th और 12th का स्टडी मटेरियल भी है। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।